नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर वर्ष हर महीना हम आपकी सेवा में आपकी राशि की वीडियो लेकर के आते हैं। अब मीन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या उसमें शुभ और अशुभ जो हैं परिणाम इस समय पर हो सकते हैं, तो उनकी जानकारियां भी हम आपको देते हैं, उनके प्रति सावधान भी हम आपको करते हैं और समाधान भी देते हैं। कौन कौन सी तारीखें आपके लिए इस महीने के अंदर शुभ और अशुभ रहेंगी, वो जानकारियां हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले शनि को ही लेते हैं। मीन राशि वालों को शनि की 7:30 प्रारंभ हुई है। अननेसेसरी बिना काम के खर्चे आपके होंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें। कहीं पर धोखा दगा नुकसान भी जो है ये शनि आपको करवा सकता है, तो देन लेन अपने संभल करके करें। इन्वेस्टमेंट यहाँ कहीं पर भी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और बृहस्पति और राहु द्वितीय स्थान के अंदर विद्यमान हैं। और अब जो शब्द मैं कहने वाला हूँ उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे योग हो सकते हैं, संयोग हो सकते हैं। कई लोग तो ये कह देते हैं कि ये हमें डराते हैं, ये डराते नहीं हैं भैया, हम आप लोगों को सावधान करने का प्रयास करते हैं। और इस समय पर कुछ योग ऐसा बन रहा है जिसके कारण से मीन राशि वालों को किसी खास जो है कानूनी विवाद के अंदर फंसना पड़ सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। धन का अपव्यय होगा, जोड़ा हुआ जो धन है, संचित धन है, वो निकलने का समय है, तो उसको दबा के रखें। कहीं भी उत्सुकता जब बनती है, मैं यहाँ लगा दूँ, मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ, वो नुकसानदायी आपको हो जाएगा। इसलिए इस महीने को आप शांति से जो है आप गुजारें। बाकी 17 अगस्त तक का समय आपके लिए ठीक है, और 17 अगस्त के बाद भी जो समय आएगा पूरी 31 तारीख तक, वो भी आपको कहीं ना कहीं विजय दिलवाने वाला है। अब आइए चलते हैं दैनिक राशि फल की तरफ। 1 और 2 तारीख ये आपके लिए 1 और 2 तारीख लाभ की है, लेकिन 3 और 4 तारीख ये नुकसान की है। और इसके पश्चात 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक आपके लिए लाभ ही लाभ है, खुशियां ही खुशियां हैं, उत्साह ही उत्साह रहेगा, और घर परिवार के अंदर अच्छा माहौल इस समय पर जो है आपके बना रहेगा। लेकिन 12-13 तारीख कुछ अकारण मन के अंदर जो है चिंताएं उत्पन्न होंगी। 14-15-16 तारीख ये पढ़ाई वालों के लिए बहुत सुंदर सुखद परिणाम देने वाला है, इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस समय पर आपका कोई भी इंटरव्यू या कोई भी एग्जाम है तो वो सफल होने की पूरी आशा इस समय पर बन रही है। 17-18 तारीख ये आपके लिए थोड़ा सा झगड़ा टंटा उत्पन्न करने वाली है, तो उसमें अपने आप को सावधान रखें, अपने आचरण अपना व्यवहार वो जो है मधुर रखें, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। 19-20 तारीख आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाली है, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध ये बनाए रखेगी, और कोई नया सहयोगी या नया कोई पार्टनर आपको प्राप्त हो सकता है जो आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। 22-23 तारीख इसके अंदर आपको सावधानी ये बरतनी है कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गिर सकता है, तो कहीं की यात्रा है तो स्थगित करें, और बाकी दूध और चीनी का दान करके इस समय को जो है आप पास करें। बाकी यहाँ से लेकर के और 29 तारीख तक का समय है, यानी 26, 27, 28, 29, ये 24, 25 ये तारीखें 6 दिन आपके लिए पूरे महीने का बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है, और इसके अंदर अच्छे अच्छे आपके कार्य होंगे, अच्छे अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे, और हर जगह पर खुशियां आपको मिलेंगी, लाभ भी आपको होगा, आपको पदोन्नति की भी प्राप्ति हो सकती है। बाकी 30 और 31 तारीख में सावधान, यहां पर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी का देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क कीजिएगा, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें, और फिर जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।